हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी संतोष धवन। यह केमिस्ट्री के अफवाहू नियम का पार्ट टू पार्ट है, यह पार्ट टू है। इससे पहले पार्ट वन वीडियो आ चुकी है, यदि उसे आप नहीं देखे हैं तो उसे आप बिल्कुल देख लें। इसे समझने के लिए पार्ट वन देखना वीडियो को बहुत जरूरी है। दोस्तों, फिर भी हम एक बार पार्ट वन वाले वीडियो को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि उसमें हमने कहे क्या थे। देखिए दोस्तों, यस पी डी एफ हमको इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास लिखना आना चाहिए, उसके अनुसार ही हम यस पी एफ डी ब्लॉक को हम पहचान सकते हैं कि कौन से यस ब्लॉक का है, कौन पी ब्लॉक का है, कौन एफ ब्लॉक का है, कौन डी ब्लॉक का है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखना जान जाएंगे तो और बहुत सारी जानकारियां हम इससे हासिल कर सकते हैं, जैसे संयोजकता हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ और बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आना चाहिए, इससे हम सारी समस्याओं को हल कर लेंगे। देखिए मैं इस तरह कैसे लिखा था, उसमें थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। हमने कहा था कि यहां तक याद करना है आपको, 3d तक याद कर लेना है। और 3d के बाद हम बताया था कि d के बाद ps, DPS चलना है। और फोर, अब यहां से सिक्स यस के बाद हमको, सिक्स यस के बाद इतना बस याद रखना है कि सिक्स यस के बाद हम यफ लाएंगे और फोर यफ लाएंगे, उसके बाद DPS, DPS, DPS यफ, DPS यफ करते जाएंगे। दोस्तों देखिए, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, हमको यहां तक याद कर लेना है। d के बाद ये पी, अब देखिए अब डी के बाद पी आ गया, फोर पी। फोर पी क्यों आ रहा है दोस्तों, क्योंकि थ्री पी आ चुका है तो इसके बाद फोर पी आएगा, और फोर पी के बाद यस आएगा तो फाइव यस आ रहा है। तो फाइव यस क्यों आ रहा है दोस्तों, क्योंकि फोर यस आ चुका है तो फाइव यस आ जाएगा। फिर डी के आएंगे तो फिन से आ जाएगा आपका फोर डी। फोर डी आ गया, देखिए दोस्तों फोर डी आ गया तो यहां से क्यों फोर डी आ रहा है, क्योंकि थ्री डी आ चुका है तो फोर डी हो जाएगा। डी के बाद पी, फाइव पी, उसी तरह से फिन, क्योंकि फोर पी आ चुका है, उसके बाद सिक्स, ये सिक्स यस, इसी तरह से डी पी यस, डी पी यस। देखिए यहां से फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं, डी के बाद ये, डी के बाद पी आ गया, फोर पी, पी के बाद यस, फाइव यस, फिर डी, फिर से फोर डी, फिर पी, फाइव पी, फिर यस, सिक्स यस। सिक्स यस के बाद हम बताएं दोस्तों कि फोर यफ आएगा। अब ये फोर यफ के बाद हम फिर यहां से दोहराएंगे दोस्तों, डी पी यस यफ, फिर आएगा डी पी एस यफ। इसी तरह से हम पूरी प्रक्रिया को दोहराए जाएंगे और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से हम लिख लेंगे दोस्तों। अब देखते हैं, हम ब्लॉक को पहचानना सीख लेते हैं कि कौन से एलिमेंट किस ब्लॉक में है। बस हम एलिमेंट को देख के हम ये बता देंगे कि यह कौन से ब्लॉक का है या कौन से आवर्त का है, हम बिल्कुल बता देंगे। देखिए दोस्तों, यस ब्लॉक को हम क्या लिखें, ये एन एस लिखें। यदि हमारा इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन दोस्तों यस ब्लॉक में जा रहा है तो हम उसे कहेंगे कि यस ब्लॉक का है। और कैसे पहचानेंगे और हम उदाहरण में देखेंगे दोस्तों, बिल्कुल हम आपको समझा देंगे कि ये यस ब्लॉक में कैसे जाएगा और ये पी ब्लॉक में और यफ ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। अब पी ब्लॉक के देख लीजिए, 12 प्लस एन पी, मतलब पी ब्लॉक में हमारा इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए तो वो पी ब्लॉक का होगा। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों वह पी ब्लॉक में यदि जा रहा है तो वह पी ब्लॉक का होगा। देखिए ये यफ ब्लॉक का, यदि देखिए ये यफ ब्लॉक का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसे एक ही वर्ग में रखा गया है। हम वर्ग नंबर तीन में रखते हैं दोस्तों, हम पूरे यफ को हम वर्ग नंबर तीन में, वर्ग नंबर तीन में रखे हैं, आवर्त नंबर 6-7 में रखे हैं। तो यहां से हम सिर्फ वर्ग तो कन्फर्म है ये कि वर्ग नंबर हम तीन में रखे हैं। अब आवर्त में कौन सा है तो ये यदि हम अंतिम इलेक्ट्रॉन देखेंगे, किस अंतिम इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि किस कक्षा में जा रहा है तो उससे हम बता देंगे कि यह किस आवर्त में, और इसको उदाहरण के द्वारा और हम आसानी से समझ लेंगे। अब डी ब्लॉक को देखिए, डी ब्लॉक में एन एस प्लस वन माइनस वन इंटू डी, ये आसान लिखा है आप इसे समझिए। ये कह रहा है ना कि एन एस मतलब जो हमारा यस ब्लॉक का एलिमेंट है उससे एक कम डी ब्लॉक का होना चाहिए। ये मतलब यदि मान लीजिए कि यहाँ पे ये चार यस है तो इसका मतलब कि एक यस घट जाएगा, ये थ्री डी हो जाएगा। यही कहने का मतलब है ना, इसका इसका यही कहने का मतलब है कि यदि चार यस है तो ये थ्री डी होगा, क्योंकि ये यहां से घट रहा है। देखिए यहाँ पे एक चार है तो ये एन माइनस वन लिखा है, ये का मतलब यहाँ चार रखेंगे तो यहाँ थ्री डी आ जाएगा। इसके कहने का मतलब है कि ये सिंगुलरिटी है कि यदि ये चार यस होगा तो ये थ्री डी होगा। इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों को यदि हम जोड़ेंगे तब हम वर्ग बता पाएंगे। देखिए अब उदाहरण हम एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे सोडियम है दोस्तों, देखिए इसका परमाणु क्रमांक 11 है, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s, 2s, 2p, 3s, इतना ही में हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये दो दो चार, अच्छा है 10, एक 11, 11 है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखिए ये 3s में गया, ये 3s का मतलब देखिए ये n है, 3n है, ये n है, n का मतलब ये 3 है,
तो थ्री का मतलब कि ये आवर्त बताएगा, जो ये अंतिम कक्षा होगी ये आवर्त बताएगा, और ये इलेक्ट्रॉन है ये वर्ग बताएगा। तो हमारा देख लीजिए, ये वन इलेक्ट्रॉन है इसके यस कोश में, तो इसका मतलब कि वर्ग नंबर प्रथम है, ये वर्ग नंबर प्रथम है। अब देखिए ये कक्षा कौन सा है, तीसरी कक्षा, यन बराबर तीन है अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब कि वर्ग नंबर तीन में है। यदि आप आवर्त सारणी को देखेंगे तो जो सोडियम है वो वर्ग नंबर फर्स्ट में, मतलब फर्स्ट में, और आवर्त नंबर तीन में। देखिए इस तरह से वर्ग होगा और इस तरह से आवर्त होगा, ये दोस्तों ये वर्ग है और ये आवर्त है, आवर्त है। आवर्त की संख्या कितनी है, सात है, 1 2 3 4 5 6 7, 6 7 7 है, और इस तरह से 1 से 18 तक ले लिखा गया दोस्तों। और 18वां में दोस्तों ये इसे जीरो वर्ग भी कहते हैं, या जीरो वर्ग कहते हैं इसे, 18 को जीरो वर्ग या एक वर्ग कहते हैं, इस तरह से रखा गया। तो इस तरह से तीसरा वर्ग जाएगा, ये तीसरा वर्ग जाएगा, और ये तीसरा आवर्त जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये तीसरा आवर्त जाएगा और ये प्रथम वर्ग जाएगा, ये सोडियम हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए अगले अगले हम एग्जाम्पल पे चलते हैं, क्लोरीन को लेते हैं। देखिए दोस्तों 1s 2s 2p 3s 3p, तो हमारे ये पी ब्लॉक में अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो हम जान रहे हैं कि पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। हम ये जानते हैं कि पी ब्लॉक के एलिमेंट को बताने के लिए हम 12 इसमें जोड़ देंगे, तो देखिए ये हम 5 प्लस 12 जोड़ दिए तो वर्ग नंबर 17 आ गया है। अब ये अंतिम इलेक्ट्रॉन थ्री में जाना है, यन बराबर थ्री है, तो इसका मतलब कि हमारा आवर्त नंबर तीन है, इससे आप आसानी से निकाल लेंगे। अब यफ, अब देखिए थोरियम लिखा गया है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है दोस्तों, आप करके देखिएगा बिल्कुल, इसका थोरियम का 1s 2s 2p 3s 3p, इस तरह से पूरा करते करते जाएंगे तो यहां तक आएगा। और हम ये जानते हैं कि यफ ब्लॉक में जा रहा है, तो ये यफ ब्लॉक का है, और यह यफ ब्लॉक में हम जानते हैं कि वर्ग नंबर तीन में सभी को रखे गए हैं, हमको बस आवर्त निकालना है। आवर्त निकालने के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है तो हम देख लेंगे। देखिए दोस्तों यह सात है, ये पांच नहीं है अंतिम दोस्तों, ये पांच तो जान कि इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, इसमें हम यफ ब्लॉक में जा रहा है, भरा भरा जा रहा है, लेकिन ये अंतिम कोश नहीं है, अंतिम कोश ये है सेवन, तो इसका मतलब कि हमारा जो आवर्त होगा इसका सात होगा। अब वर्ग तो तीन है, ये लेकिन यफ ब्लॉक के सभी एलिमेंट को वर्ग नंबर तीन में रखे गए हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब हम इसमें चलते हैं, देखिए दोस्तों ये जिंक है, जेडन 30 है इसका, देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये देखिए दोस्तों ये दो उपकोश लिए गए हैं, ये क्योंकि यहां बताया गया है कि हमारा दो उपकोश से हम इस सारी बताएंगे कि कौन सा आवर्त है कौन सा वर्ग है, इसके हमारा वर्ग को बताने के लिए दो उपकोश लेना पड़ेगा, ये दो उपकोश लेंगे तब बता पाएंगे। तो 4s और 3d लेंगे, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 12, तो यानी वर्ग नंबर 12 हो जाएगा। और आवर्त, आवर्त के लिए हम देखेंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, ये 4s में जा रहा है, तो इसका मतलब कि आवर्त हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये आवर्त हमारा 4 हो जाएगा। यहां से उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, धन्यवाद दोस्तों।